बाहर के लोग हैं या भी हमारी पुरानी जोड़ी है, उसमें से एक आ नहीं पाया आज। आज उसकी नाइट में शूटिंग निकली और आदि ने मुझे ये कल रात को फ़ोन किया 7 बजे की, मैं आ रहा हूँ भाई, सब तैयारी है। मैं बोला कहाँ आ रहे हो आज? के डेट चेंज मैं सबको कहना चाहूँगी कि सबको ढेर सारी शुभकामनाएं ईद की, और हर त्यौहार, हर पर्व, फेस्टिवल सब एक अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़कर ये सिर्फ मुंडे के लिए आए हुए हैं। मैं बहुत
के जैसा ही शुरुआती दौर से हाँ, हमेशा सर हमारे बॉस रानी सर जी रखा था वो नहीं आ पाया अभी तक। इनकी पहली फिल्म रक्त तो के टाइम पे मुझे आशा है वो रास्ते में होंगे। हम लोग रक्त के पोस्टर नंबर सेट पे रक्त फिल्म का पोस्टर लॉन्च था शायद तब हम लोग मिले थे। आज 8 ईयर्स हो चुके हैं। चाहेंगे मुंडे जी का जन्मदिन है और कितनी खुशी होती है और जब बड़े दिनों के बाद फड़के पर अच्छी फिल्म बनाए। मैं तो अभी जैसा मैं भी उसी में से एक हूँ छोटा। मैं भैरू जी महाराज के काफ़ी करीब रहा हूँ। मेरे साथ उनका संबंध रहा है, जैसे कि मैं आपको पता है सब लोगों की गगनगिरी महाराज करके हमारे महाराष्ट्र में काफ़ी फेमस है।
मेरे संपर्क में, साउथ इंडियन है वे, पुणे में बैठते हैं, उनका संपर्क है कि भैयू महाराज के ऊपर भी हम लोग क्यों ना एक इस तबके का कार्यक्रम करें कि जो कार्यक्रम हमारे मुंबई शहर से लेके वर्ल्ड वाइज बन जाए, इतिहास बन जाए, हिस्ट्री बन जाए। पर दुर्भाग्य हमारा ऐसा है कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। मैं मेरे सारे परिवार की तरफ से स्पेशल, आज मुंडे का बर्थडे है, खुशी का दिन है पर दुख की भी बात है, इसलिए उनके अंतिम जो अंत यात्रा उनकी अभी उसी दिन सोचूंगा, से कम फिल्म तो नहीं पर भैयू महाराज जी के ऊपर मैं कुछ एपिसोड्स करूं सीरियल के माध्यम से। अब ये बोलने वाली बातें नहीं होती है, करने वाली बातें होती है। वक्त का इंतजार कीजिए, शायद कुदरत ने सहारा दिया, आशीर्वाद दिया तो वो भी करेंगे। पहले तो सबसे पहले मैं गुलाम अब्बास खान रमाकांत मुंडे जी को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूं, और ये मौका डबल ट्रीट का है क्योंकि कल सुबह ईद भी है, तो ईद मुबारक भी उनको और उनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत एक्टिवली मीडिया में उनका काम रहा है, सही चीज़ को प्रमोट करने का, बहुत सारे एक्टर्स को उन्होंने प्रमोट किया है और इंडस्ट्री में बहुत मायनाज नाम है। तो मैं दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह से काम करते रहें और सही तरह का जो मीडिया और सटीक मीडिया जो होता है उसको प्रमोट करते रहें। भाभी जी, आप क्या, आपके तरफ से क्या आशीर्वाद होगा उनको? मैंने जो कुछ कहना था अब्बास ने कह लिया, मैं क्या कहूँ, उनके लिए शुभकामनाएं हैं बिल्कुल। एंड ही हैव डन अ ग्रेट जॉब, आई मीन आई एम सीइंग हिम सिंस सो मेनी इयर्स बट ही इज डूइंग सो मच। अब्बास स्पेशल लाखों करोड़ों लोग आपको चाहते हैं जी। बिल्कुल, ईद सबको बहुत बहुत मुबारक हो। ये त्यौहार है सुकून का, खुशियों का और अमन का। मैं अपने मुल्क से बहुत प्यार करता हूं और मैं हमेशा ये दुआ करता हूं कि खुदा हमारे मुल्क में अमन और सुकून पैदा कर और यहां के आम आदमी को तरक्की हो। तो ये ईद का मौका है जब मैं मुबारकबाद सबको देना चाहता हूं और खुदा से ये दुआ करता हूं। मेमोरी तो काफ़ी है बिकॉज आई हैव सीन हिम इन लॉट ऑफ पेज थ्री पार्टीज़, तो उन्होंने मेरी काफ़ी फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं पेज थ्री पार्टीज़ पे। मैं उनको उमर जाफर के शो में भी मिली व्हेन आई वाज वॉकिंग एज अ शो स्टॉपर। फिर निशा जामवाल का शो है, तो देर आर मेमोरीज, यस ऑफ कोर्स। एंड अभी मैं बहुत टाइम के बाद बॉलीवुड में आई हूँ बिकॉज आई वॉज बिजी विद साउथ। मेरी अभी धनुष के साथ मूवी हुई थी यार्डिनी मोहिनी, सो वो पिक्चर के बाद आई हैव नाउ कम बैक टू बॉम्बे। लेकिन आई वुड विश हिम मैनी 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 हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड
बर्थडे इज़ समथिंग विच इज़ वेरी स्पेशल, तो मेरी उनके लिए हार्दिक शुभेच्छा बर्थडे की, एंड आई होप एंड विश हिम ऑल द बेस्ट एंड ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग. थैंक यू. मैं थिएटर्स करती हूँ गैरी रिचर्डसन एलेक पदमसी के साथ, इंग्लिश मोनोलॉग मेरी थिएटर प्ले हुई है काला घोड़ा प्रेस क्लब यॉट क्लब में, और साउथ में आई एम बिजी एज ऑलवेज. तो मेरी साउथ की कम से कम 15 मूवीज हैव डन. तो पहली पिक्चर मेरी वसुल राजा MBBS है, मुन्ना भाई MBBS की रीमेक, और 3 मूवीज है मेरे धनुष के साथ, सत्यराज के साथ और खुशबू के साथ मैंने पेरियार किया है, और मैं और एक साउथ मूवी कर रही हूँ तो वो सिम्बू के साथ है, एंड दैट आई विल बी स्टार्टिंग इन सेप्टेम्बर. और हिंदी तो आई एम जस्ट बिगिनिंग, सो लेट्स सी. कि लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं जी, ईद का स्पेशल अपना सब छोड़ छाड़ के लोग शुभकामनाएं. बर्थडे हुआ है, ये बर्थडे काफ़ी मज़ेदार रहा है, और इस मज़े के बीच में मैंने भी थोड़ी मस्ती की है, मज़े किए हैं, इसके लिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. थैंक यू. होती है तो हर साल मैं उनको बुलाता हूँ बर्थडे विश में, और कहीं ना कहीं और भी अवार्ड फंक्शन वगैरह में मिलते रहते हैं. केक अच्छा लगा कि नहीं? बिल्कुल रमाकांत मुंडे जी, जब से मैं 25 इयर्स बैक जर्नलिज्म के फोटोग्राफर हैं, एंड वो बहुत ही मिलनसार है, बहुत ही हेल्पफुल है, और मेरी करियर में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि जर्नलिज्म और फोटोग्राफर का हाथ नहीं होता तो कोई एक्टर नाम नहीं कमा सकता, बिकॉज इतनी 2 लाइन भी और या एक फ़ोटो कहीं मायापुरी में भी आ जाता है तो 10% लोग आपको पहचानते हैं. तो मेरी मैं तो मानता हूँ कि जितने भी लोग हैं जो मेरे सामने हैं वो सारे एक्टर मैं ईद में यही कहना चाहूँगा भाइयों कि ये बहुत अच्छा फेस्टिवल है, दिवाली जैसे फेस्टिवल है, सारे फेस्टिवल बहुत अच्छे होते हैं. तो ये जो टेररिज्म का प्रॉब्लम हो रहा है, ये जो पॉलिटिशियन जो फ़ायदा उठाते हैं, तो आप प्लीज़ इनकी बातों में ना आए. ईद में आज भी हमारी इंडस्ट्री में हम लोग दिवाली ईद साथ में मनाते हैं, मतलब ईद अगर एक मुसलमान की ईद होती है तो 10 हिंदू इसके साथ में बैठ के इफ्तारी करता है और साथ में बैठ के खाना खाता है. तो आप सोच सकते हो कितना प्यार है मुसलमान और हिंदू में. ये सब पॉलिटिशियन ने बनाया चीज़ें हैं.
सो प्लीज़ ईद के दिन आपको मैं यही दुआ करूँगा कि आप प्लीज़ भारत देश के बारे में सोचें, अपने लोगों के बारे में सोचें, और आप सबको हमारे तरफ से ईद मुबारक। एक हिंदू हूँ लेकिन मुझे ईद से बहुत मतलब है। कल मैं बहुत सारे दोस्तों के वहाँ जा रहा हूँ जो मेरे मुसलमान दोस्त हैं, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट फेस्टिवल। थैंक यू सो मच। जी मेरा नाम मुकेश त्यागी है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज रमाकांत मुंडे, जो कि हमारे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत सीनियर फोटो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बहुत फोटो जर्नलिस्टों को सिखाया है क्या फोटोग्राफी होती है, किस तरह की जर्नलिज्म होती है, और उनका जो नेटवर्क है वो बहुत ही एडमिरेबल है। मुझे लगता है हर फिल्म इंडस्ट्री का हर आदमी रमाकांत मुंडे को पर्सनल लेवल पर जानता है, और जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को कॉन्ट्रीब्यूशन किया है कंसिस्टेंटली और सिंसियरली, मैं उनको आज के बर्थडे पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि रमाकांत मुंडे अपना नाम इसी तरीके से रोशन करते रहे। मेरी रीज़न रमाकांत मुंडे को मैं पिछले 15-20 साल से जानता हूं, मेरे घर पे भी आते हैं वो, मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं भी जब इफ़ी में जूरी में मेम्बर था मैं, तो रमाकांत मुंडे वहाँ पर आए हुए थे, और इन्होंने वहाँ पर काफ़ी उनका धमाल था वहाँ पर, इनके फ़ोटो भी रोज़ निकलते थे। और इसके अलावा रमाकांत मुंडे को मैं हर बड़े फंक्शन में देखता हूँ, और जितनी रिस्पेक्ट इन्होंने कमाई है मुझे लगता है ये बहुत सराहनीय है। इट्स वेरी एडमिरेबल, एंड दिस मैन हैज़ कंसिस्टेंटली फॉलोड हिज सिंसियरिटी एंड इंटेग्रिटी एज ए फोटो जर्नलिस्ट। खाली फोटोग्राफी लेना ही काम नहीं है, बल्कि मुझे अलावा इसके अलावा जो जोड़ते हैं, इनका जो मैगजीन से कनेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से कनेक्शन है, इनके पर्सनल लेवल पे आधे काम तो इनके फ़ोन के उससे कहने से हो जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ही इज़ डन वेरी गुड जॉब, एंड फिल्म इंडस्ट्री नीड्स ए रमाकांत मुंडे, मैनी रमाकांत मुंडे एज ए मैटर फैक्ट। थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, देखिए फिर पूरे देश को, और देखिए हम लोग सेकुलर कंट्री हैं, हमारे यहाँ जो है धर्म संवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक छत के नीचे प्यार और उससे रहते हैं, और मैंने कई इफ्तार पार्टियाँ भी अटेंड करी। मैं देखता हूँ जितना प्रेम हम लोगों में आपस में है, ये सियासी मामला अलग है, और सब में बहुत दिल। आज मैंने कितने लोगों को ईद की शुभकामनाएँ दी हैं, कल रात को मैं रात को फेसबुक पे देनी शुरू कर दी मैंने शुभकामनाएं। मेरे इतने ज़्यादा मुस्लिम दोस्त हैं, मेरा मन करता है कि मैं, मेरे पास इतना बड़ा पेट हो कि मैं हर जगह जा कर के बिरयानी खाऊं। और तो मुझे लगता है कि ये जो त्यौहार है ये एक बहुत सिग्निफिकेंट फेस्टिवल है, क्योंकि ये एक तो एक संदेश देता है डिटर्मिनेशन का। एक महीने तक रोज़ा रखता है इंसान, और उसके बाद इबादत में वो आज अल्लाह ताला की इबादत में अपना एक रोज़ा खोलता है। तो मुझे लगता है जो डिविनिटी है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इस फंक्शन में, और इससे ये कोई हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये एक मजहबी मामला है और ये एक इबादत का मामला है। तो इबादत में जो भी होता है वो अच्छा ही होता है। मैं सबको, पूरे देश को, पूरे विश्व को, सभी को ईद मुबारक देता हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। थैंक यू।